एक साहब और थे, दोनों आए और इमाम साहब बताए क्या नमाज में चलो निकलो। तो उसका भाई हम तो हम और हमारे बाप दादा बरसों से नमाज पढ़ा रहे हैं, 16 साल से मुझे हो गए और मुझे नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, जोहर असर मगरिब 3 नमाज पढ़ाता हूँ केवल। इमाम साहब मौलाना सैयद सादिक अली साहब नमाज पढ़ा रहे थे जोहर की नमाज, अभी नमाज पढ़ी रहे थे और लोग भी नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग वजू कर रहे थे, इस दरमियान उन्होंने उस मौलाना साहब को बेइज्जत करके वहाँ से निकाला और कहने लगे यहाँ का नमाज पढ़ा रहे हो। मौलाना साहब ने कहा मैं रोज़ नमाज पढ़ाता हूँ, मेरे बाप दादा ने नमाज पढ़ाई यहाँ पर, मुझे नियुक्ति पत्र मिला हुआ है नमाज पढ़ाने का। उन्होंने कहा नहीं यहाँ से निकल जाइए वरना अभी आपकी टुकाई लगाता हूँ। मौलाना साहब चले गए, उन्होंने जाकर अपने मोहल्ले में बताया कि हमारे मौलाना कलीमुद्दीन साहब हैं जिला अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद के, इनको पता चली, इन्होंने असलम साहब चेयरमैन साहब को बुलाया और कल मुसलमानों ने कोशिश की कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि नमाज जैसी पवित्र चीज़ को उन्होंने अपवित्र करने का प्रयास किया। ताजमहल ताजमहल के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी, पहले पैर डाल लिया करते थे तो ये पानी चूहे पाक साफ होना चाहिए वजू के लिए, तो वहाँ रेलिंग भी लगी हुई है और उसमें अब प्रशासन से आप लोगों ने क्या मांग की है? तो हमने ये कहा कि जैसे ताजमहल में नमाज लोग पढ़ते रहे हैं, यानी लोकल ही या जो इमाम साहब हैं वो अपनी पढ़ते हैं, जो जिसको मर्जी में आता है वो पढ़ता है वहाँ नमाज, उनको रोक दिया गया तो ये बुरी बात है। वो तो मस्जिद है, शाहजहाँ ने मस्जिद बनाई है नमाज पढ़ने के लिए, वो खाली मतलब देखने के लिए नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए है, उसको रोकना ये बहरहाल गलत बात है, बुरी बात है।